नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण और आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया। आज के मुख्य समाचारों में बने रहिए। 5 साल से अधूरी पड़ी है सड़क, आए दिन कीचड़ भरी राह में दुपहिया वाहन चालक गिरकर हो रहे हैं चोटिल। इस सड़क को देखकर समझ नहीं आता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। यहाँ कीचड़ भरी राह में छोटे बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। जरा सी चूक होने पर हाथ पैर टूटना तय है। एक बार यहाँ से गुजरने के बाद दुपहिया वाहन चालक इस रास्ते में स्वत परहेज करने लगते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी इन सड़कों की हालत से अवगत हैं, लेकिन मरम्मत व निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। दौसा क्षेत्र के सिकराय विधानसभा क्षेत्र के गांव रामसिंहपुरा से आलूदा जाने वाली सड़क का 500 मीटर टुकड़ा करीब 5 साल से अधूरा पड़ा है। रास्ता खराब होने से आम जन को भारी परेशानी हो रही है। मीना ने विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाया कि आलूदा से रामसिंहपुरा जाने वाली सड़क के बीच 500 मीटर का टुकड़ा अधूरा है। ठेकेदार व अधिकारियों की मिलीभगत होने के कारण निर्माण नहीं कराया जा रहा। यहां कई बार बरसात के दिनों में दुर्घटना हो चुकी है। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक हमारी सड़क पूरी नहीं होगी, तब तक महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को पंचायत की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रामकेश मीना, बंटी महर रामसिंहपुरा, विनोद महर, महर केटर्स दोसा, युवा नेता नंदू महर, शैतान सिंह मीना, विकास मीना, कालू राम मीना, कैलाश नारायण, महादेव चंद्र पटेल, गीला राम, गोकुल लाला राम, नंद किशोर, युवा नेता चौथमल, प्रभुदयाल, जगदीश पटेल, जयराम पटेल, रामकिशन पटेल तथा अन्य सभी ग्रामीण ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से आग्रह किया कि जल्द से जल्द सड़क को बनाया जाए।